नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न एग्जामों के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए एडुटेरिया के 10वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है। साथ ही इसमें जो है कुछ हद तक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी पोर्शन जो है कवर किया गया है, और इसके तहत हम जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। दूसरा कथन है, एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है सैद्धांतिक भौतिकी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार से समझा जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म जो है 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। एक जो है कल्पनीय रूप से गर्म घने बिंदु, जिसे एक जो है विलक्षणता कहा जाता है, उसकी जो है विस्फोट के कारण जो है ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इस व्याख्या को जो है हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के रूप में या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सन 1925 में अमेरिका के एक खगोल शास्त्री हुए जो है एडविन हबल, उन्होंने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और वर्तमान शोधों से यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक जो है जारी रह सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, दुग्ध मेखला एवं जो है एंड्रोमीडा किस प्रकार के आकाशगंगा का उदाहरण है। तो ये जो है सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लगभग 25% जो है आकाशगंगाओं में जो है इस प्रकार की आकाशगंगाओं में जो है लगभग 25% जो है वक्राकार भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है एवं यह चमकीला दिखाई पड़ता है। दूसरा कथन है, छोटे आकार के श्वेत वामन तारे का घनत्व कम और बड़े आकार के श्वेत वामन का घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि यदि कोई जो है सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो इसकी ऊर्जा तथा ऊष्मा जो है समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है और धुंधला पड़ जाता है। इसकी अंतिम अवस्था एक जो है कृष्ण वामन की ओर हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, एक तरफ परिकल्पना या सिद्धांत का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतिपादकों का जिक्र है। तो यहाँ पर जो है देखा जाए, पूछा गया है कितने सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे गैसी परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं ये जो है इमैनुअल कांट है, इसके जो है प्रतिपादक ये जो है गलत है जो मिलान। अगला है नेबुलर परिकल्पना के मिलान है जो है पेरे साइमन लाप्लास, तो इसका मिलान यहाँ हो जाएगा। अगला है महानोवा परिकल्पना, इसके जो है प्रतिपादक हैं एफ होयल, तो यहाँ पे ये सही है, इसलिए यहाँ पे केवल तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, किरीट या कोरोना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है, यह केवल जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। तीसरा कथन है, यह क्षेत्र अत्यधिक परावैगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। यहाँ सही कथन को चुनना है,
तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा जो है सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां। एक तरफ ग्रह दे रखा है, दूसरी तरफ उनका उपनाम दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बुध का उपनाम क्या है, जो है वाणिज्य एवं जो है निपुणता का देवता, ये सही है। शनि का क्या होता है, शनि का होता है कृषि का देवता, ना कि मृत्यु का देवता, इसलिए ये गलत हो गया। और तीसरा जो है यूरेनस दे रखा है, ये होता है स्वर्ग का देवता या हरा ग्रह, लेकिन सामने लिखा है सागर का देवता, ये भी गलत है। अगला है नेपच्यून, तो नेपच्यून जो होता है वो सागर का देवता होता है और सामने लिखा है हरित ग्रह, ये भी गलत है। और शुक्र होता है सुंदरता की देवी, तो यहाँ पे जो है तीन गलत हो गए, दूसरा तीसरा चौथा तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो ग्रहिका जो है बृहस्पति एवं मंगल के मध्य पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर जो है करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करती हैं, जिनको जो है एस्टेरॉयड कहा जाता है, और कभी कभी यह ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी की आकृति एक जो है जियोइड के समान है, यह पूर्ण रूप से जो है वृत्ताकार नहीं है। यहाँ पे सही कथन देखना है, तो पहला यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने में परिक्रमा जिसमें जो है 365.25 दिन लगते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे घूर्णन की बात की गई है, तो घूर्णन में जो है 24 घंटे में एक चक्कर जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी जो है गति विषुवत रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा जो है गोलाई की बात की जाए तो पृथ्वी की आकृति एक जो है जियोइड के समान है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था, तो कब किया गया इसका गठन, 1969 में किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके संस्थापक थे डॉक्टर जो है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दसवां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राथमिक लहरों में जो है कण जो है प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा कथन है कि प्राथमिक लहरों की तुलना ध्वनि लहरों से की जाती है। तीसरा कथन है कि प्राथमिक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है असत्य है, तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है, जबकि पहला दूसरा सही है, तो केवल एक कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। ये सिलिकेट चट्टाने हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जली गुफाओं में एकत्रित होकर ठंडे होने से बनती हैं। ये विशेषता किस प्रकार की चट्टान की है, तो ये जो है जियोलाइट नामक चट्टान की है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है फैकोलिथ चट्टान दे रखा है, ये कब बनती है, यदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की जो है अपनति तथा अभिनति में जो है मैग्मा ठंडा हो जाए तो उसे जो है फैकोलिथ कहा जाता है। इसके अलावा स्टोक जो दे रखा है, तो मैग्मा द्वारा निर्मित छोटी अंतर्जात चट्टानें होती हैं
जिनका क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग किलोमीटर हो, उन्हें जो है स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विशेषता किस प्रकार की चट्टान की है? तो यहाँ पे जो है पांच विशेषता है, तो जो है आग्नेय चट्टान से संबंधित ये विशेषताएं हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्थलाकृति का मिलान करना है उनकी विशेषताओं से। तो यहाँ पे बरगान का मिलान होगा जो है एक जो है चापाकार टिब्बा से, और जो है अर्घ का मिलान होगा मरुस्थल का एक समतल चौड़ा क्षेत्र है जो चादरों से ढका रहता है, और जो है सिंह का मिलान होगा इसे जो है पलाया भी कहा जाता है, और इसके तहत जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर पानी का जमाव जमाव स्थल दिखाई नहीं देता है। अगला है जो है वात गर्त, इसमें जो है बलुआ क्षेत्र में एक गति जो विशेषता मरुस्थलों में टिब्बों के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जब जो है हिमोड़ी अवसादी मलवा ग्लेशियर के तल पर जमा हो जाता है तो उसे जो है स्थलीय हिमोड़ कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, फायराइट नीस सिस्ट एवं प्लेट प्रकार हैं किसकी? तो ये जो है कयांत्रित चट्टान की जो है प्रकार है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का जो है प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने 1960 में किया था। दूसरा कथन है कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। तीसरा कथन है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे जो है सभी कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को जो है पैंथालासा कहा गया। दूसरा कथन है कि पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं जो है अंटार्कटिका शामिल है। यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है पेंजिया का उत्तरी भाग जो है लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग जो है गोंडवानालैंड है। तो यहाँ पे जो है गोंडवानालैंड में जो है क्या आता है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। जबकि लिखा है कि लॉरेंसिया में जो है क्या आता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया और अंटार्कटिका, जबकि अंटार्कटिका आता है गोंडवानालैंड में, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, विषम को चुनना है। तो विषम इसमें कौन सा है जो है अंटार्कटिक प्लेट है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है न्यू हेब्राइड्स प्लेट और अरेबियन प्लेट्स और जो है कोरोलिना प्लेट्स जो है ये सभी प्लेट जो है छोटे आकार की हैं, जबकि अंटार्कटिक प्लेट जो है बड़ी प्लेट का उदाहरण है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को क्या कहा जाता है? इसको जो है रिलीफ कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी का मिलान करना है प्रकृति से, तो जो है बीस नंबर क्वेश्चन है कि जो है इनका मिलान करना है और बताना कि कौन सा सही सुमिलित है, तो जो है स्ट्रोम्बोली जो दे रखा है ज्वालामुखी, ये जागृत ज्वालामुखी है यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला है किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी है, ये एक जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी है, ये जो है शांत ज्वालामुखी है, लेकिन जो है जागृत ज्वालामुखी लिख रखा है इसलिए ये गलत है। कोह सुलेमान ज्वालामुखी है, ये जो है शांत ज्वालामुखी है, ये सही है। अगला है विशु वियस जो दे रखा है ज्वालामुखी, यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार के उदाहरण हैं? पहला है यह 4 से 8 के बीच की ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक के साथ अत्यधिक जो है विध्वंसक होते हैं। दूसरा है इन ज्वालामुखियों के विस्फोट स्तंभ जो है समताप मंडल में प्रवेश करते हैं। तीसरा कथन है इस प्रकार के विस्फोट की विशिष्ट विशेषताएँ जो है एयरफॉल, झावा बेड और जो है राख प्रवाह हैं। कभी कभी इसमें जो है एग्रीम ब्राइट भी शामिल है और इन विस्फोटों से जो है अस्थायी वैश्विक शीतलन भी हो सकता है। तो ये उदाहरण है जो है प्लिनियन उद्गार का, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भूकंप द्वारा हुई क्षति की माप रिएक्टर सेल द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दूसरा सही है जबकि पहला गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भूकंप की तीव्रता और परिणाम मापने का प्रथम सफल प्रयास जो है फ्रांसीसी भूवैज्ञानिक जो है चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने 1935 में किया और यह एक गणती मापक था। इसमें 1 से 9 की संख्याएं जो है होती हैं और रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न विशेषता किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये विशेषताएं दे रखी हैं, तो ये जो है कवच ज्वालामुखी से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भूपटल तथा मेंटल को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग जो है असंबद्धता कहते हैं। दूसरा कथन है जो है मेंटल तथा कोर को अलग करने वाली सीमा को जो है मोहो असंबद्धता कहते हैं, तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 असंबद्धताएँ पाई जाती हैं। पहली असंबद्धता जो है भूपटल तथा मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है, इस सीमा को जो है मोहो असंबद्धता कहा जाता है। जबकि दूसरी सीमा है मेंटल तथा कोर को अलग करती है, तो इस सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। यह असंबद्धता जो है पृथ्वी में 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के अपक्षय के प्रकार हैं? पहला है यह क्रिया प्रायः रवेदार चट्टानों में अधिक होती है। दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में अधिक होता है।
तीसरा कथन है, इस प्रक्रिया में चट्टान अपने स्थान पर कमजोर पड़ जाती है। तो ये जो है गुण जो है किसके हैं, जो है अपदलन के हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ऑक्सीकरण विशेष रूप से जो है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। दूसरा कथन है कि कार्बोनीकरण प्रक्रिया विशेष रूप से जो है काष्ठ अथवा चूने के क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पे सही कथन को देखना है, तो यहाँ पे देखना है दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, विषम शब्द को चुनना है इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो विषम है गार्ज, गार्ज इसमें जो है विषम है, क्योंकि जो है गार्ज वह होता है कि नदी की वी आकार की गहरी घाटी को गार्ज कहा जाता है। गार्ज प्रायः नदी के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दो घाटियों के हिम जो है विभाजक को जो है बर्ग सरुंड कहा जाता है, जबकि दूसरा कथन है कि ऊंचे जो है अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटी को जो है फियोर्ड कहा जाता है। तीसरा कथन है कि पिंडारी ग्लेशियर नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में 3353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे सही कथन को देखना है, तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन केवल सही है, जबकि पहला तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो घाटियों के हिम विभाजक को जो है एरेटे कहा जाता है, ना कि जो है बर्ग सरुंड कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, और यह मछली की हड्डी के समान होता है। इसके अलावा जो है पिंडारी ग्लेशियर के बारे में कहा गया है, तो पिंडारी ग्लेशियर जो है यह कुमाऊ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में 3353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ना कि नेपाल जो है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विस्तृत हिमनदों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी टीले जो चारों ओर से हिम से घिरे हो उसे जो है टर्न कहा जाता है, जबकि दूसरा कथन है कि हिमनदों के क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम जो है अपर्दित भू आकृतियां विकसित होती हैं जो दूर से देखने पर ऐसी लगती हैं जैसे किसी खेत में भेड़ों का जो है रेवड़ बैठा हो, उसे जो है रोश मुताने कहा जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे जो है पहला कथन असत्य है, दूसरा यहाँ पे सही है। पहला क्यों असत्य है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विस्तृत हिमनदों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी टीले जो चारों ओर से हिमनद से घिरे होते हैं, तो ये हिम से घिरे द्वीप के समान होते हैं, और जो है इसलिए इन्हें जो है नूनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विषम को चुनना है, तो विषम कौन सा है इसमें, लोयस, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोयस क्यों है, क्योंकि लोयस जो है पवन द्वारा उड़ाई गई धूल यदि निक्षेप का रूप धारण कर ले तो उसे लोयस कहा जाता है। लोयस निक्षेप में परतें नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है उत्तरी चीन के सांसी में पाया जाता है। हांगहो नदी लोयस क्षेत्र से होकर बहती है, और मध्य एशिया यूरोप अर्जेंटीना तथा उत्तरी अमेरिका के मैदानों में भी लोयस मिट्टी के निक्षेप पाए गए हैं, और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, काष्ठ भू आकृति हेतु अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है। तो ये चार जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये जो है कहा गया है काष्ठ भू आकृति हेतु अनुकूल परिस्थितियों में क्या शामिल है। तो पहला शामिल है धरातल के समीप चूने की चट्टानों की मोटी परत हो, और चूने की परतों में जो है नदियों की विस्तृत तथा गहरी घाटियाँ होनी चाहिए। तो पहला और चौथा यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मिलान करना है आपस में, तो गुफा का मिलान होगा जो है चूने की पत्थर वाली परतों में पानी द्वारा बने चेम्बर से, और यहाँ पे जो है पोलजे का मिलान होगा चूने की चट्टानों में निरंतर घोलीकरण के जो है फलस्वरूप एक बड़े गर्त का निर्माण होता है, और तीसरा है जो है पोनार, पोनार का जो है
एक लंबवत छिद्र है जो गुफा को सतह से जोड़ता है। युआला है जो है काष्ट प्रदेश में एक ऐसी गर्त रूपी घाटी जिसके किनारों का ढाल तीव्र तथा तलहटी चपटी और जो है लगभग समतल होती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न स्थलाकृतिक विशेषताएं किस प्रकार की स्थलाकृति की हैं? पहला है कंदरा के फर्श पर जो है निक्षेपात्मक मिट्टी जिसका रंग लाल होता है। दूसरा कहते हैं इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा टेरा रोजा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भूमिगत जल द्वारा निक्षेपित भू आकृतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भूमिगत जो है कंदराओं में जब जल रिसाव होता है तो छत में अवसाद के बारीक कण निक्षेप का रूप धारण कर लेते हैं जिनको जो है स्टेलेमाइट कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है काष्ठ क्षेत्र में यदि छत से रिसने वाले जल की मात्रा अधिक हो तो वह जो है टपक कर कंदरा के फर्श पर गिरता है। इस प्रकार के फर्श पर जो है निक्षेपात्मक स्तर को जो है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे जो है असत्य हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है स्टेग्लमाइट जिसे कहा जाता है उसके तर्क ये है कि काष्ठ क्षेत्र में यदि छत से रिसने वाले जल की मात्रा कुछ अधिक हो तो वह जो है टपक कर कंदरा के फर्श पर गिरता है। इस प्रकार जो है कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है जिनको जो है स्टेग्लमाइट कहा जाता है। तो ये जस्ट विपरीत कथन है, ठीक है। ये कथन जो है इसके संदर्भ में सही है और दूसरा कथन इसके संदर्भ में सही है। तो ये जो है आपस में विपरीत कथन है इसलिए दोनों कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से कौन से स्थलाकृति सागरी जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति है? तो इसका नाम है जो है पहला मेहराब, तटी क्लिफ और स्टैक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भूमध्य सागर में जो है एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखा जाए इसका सही जवाब है डालमेशियन तट का जो है उदाहरण है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि तट के सहारे दो रोधिकाओं का विस्तार इतना अधिक हो जाए कि दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़ दें तो इस प्रकार बने स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जो है टोम्बोलो, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम क्या है? तो गैसों का घटता क्रम सबसे ज़्यादा होता है पहले नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है ऑर्गन और फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन। ये यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है कि शुष्क हवा में 78.084% जो है नाइट्रोजन, 20.946% ऑक्सीजन और जो है 0.934% जो है ऑर्गन, 0.036% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम मात्रा में नियोन, हीलियम, मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर जबकि 45 डिग्री अक्षांश पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। दूसरा कथन है कि क्षोभ मंडल में तापमान के ह्रास को जो है नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा है तो दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत या मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है,
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और समताप मंडल के निचले भाग का तापमान जो है लगभग -57 डिग्री सेल्सियस तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और यह वायुमंडल की दूसरी परत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत जो है विषम मंडल का भाग है? तो ये है आयन मंडल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संरचना के अनुसार जो है वायुमंडल के दो भाग होते हैं, एक जो है सममंडल होता है और एक विषम मंडल होता है। और सममंडल के अंतर्गत जो है तीन भाग आते हैं, एक क्षोभ मंडल, एक समताप मंडल, एक जो है मध्य मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। सौर ताप की जो मात्रा वायुमंडल की वाय सीमा पर पहुंचती है उसे जो है सूर्य ताप कहा जाता है। दूसरा कथन है कि वातावरण में तापमान का जो है वितरण एक समान होता है। तो असत्य कथन को देखना है तो दोनों ही असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विषुवत रेखा में ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या की लाली तथा भोर की लाली का समय घटता जाता है। दूसरा कथन है कि नॉर्वेस्टर तथा ब्लिजर्ड हवा की प्रकृति ठंडी है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश भोर के समय विकिरण के कारण पूर्व की दिशा में जो है आकाश का रंग जो है लाल कलर का दिखाई देता है और भोर अथवा सुबह की लाली कहलाती है यह। इस प्रकार जो है शाम समय पश्चिम की दिशा में प्रकाश का लाल रंग दिखाई देता है और जो है जिसको संध्या की लाली कहा जाता है। और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या की लाली तथा भोर की लाली का समय बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। दूसरा कथन है जुलाई तथा दिसंबर के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। और जो है तीसरा कथन है कि सबसे अधिक दैनिक तापांतरण उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। तो पूछा गया है असत्य कथन, तो असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन देखिए, तो असत्य कथन जो है पहला है और दूसरा है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए वार्षिक तापांतर जो होता है वो जुलाई तथा जनवरी के औसत तापांतर के अंतर को वार्षिक जो है तापांतर कहा जाता है, ना कि जुलाई तथा दिसंबर के औसत तापमान को, इसलिए दूसरा गलत है। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि विषुवत रेखा के क्षेत्र में बादलों की उपस्थिति जो है आत्पन की दर को बाधित करती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक तापमान दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, धरातली तापमान जो है विलीनता हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का चयन करें। तो ये पांच जो है भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पे पांचों परिस्थितियां इस जो है दर में सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस अक्षांश या वायुदाब की पेटी को जो है अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब की पेटी को जो है क्या कहा जाता है, जो है अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय पौने दे रखी है और उनकी औसती दे रखी है। तो जो है चिनूक दे रखा है, चिनूक के बारे में देखा जाए जो है रॉकी के पूर्व की पूर्वी ढलान है, ये सही है। और मिस्ट्रल जो है ये अर्जेंटीना में नहीं बल्कि फ्रांस की राई घाटी में चलने वाली पौने हैं, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। पेम्प्रो जो दे रखा है ये जो है दक्षिण अमेरिका के पंपास हैं, ये सही है। तो यहाँ पे दो सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, जबकि दूसरा कथन है कि शीत वाताग्र की गति गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है सही कथन क्या है, तो 48 में पूछा गया है सही कथन क्या है, तो एक तो दूसरा कथन सही है जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा की घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को किस कूट अक्षर से दर्शाया जाता है, तो इसको जो है एम द्वारा दर्शाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दे रखा है, तो टेफू है, तो टेफू जो है जापान का जो जापान में आया चक्रवात है, चीन दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, और बेजियो दे रखा है, बेजियो जो है फिलीपींस में आया है, सामने लिखा है इंडोनेशिया, ये भी गलत है, और हरिकेन दे रखा है, तो हरिकेन जो है कैरेबियन सागर में आया, तो ये सही है, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफून जो है कहा जाता है जो चीन में आया, और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायु की प्रति इकाई भार तथा उस इकाई में उपस्थित जलवाष्प के भार के अनुपात को सापेक्षिक जो है सांद्रता कहा जाता है, जबकि दूसरा कथन है किसी निश्चित तापमान पर वायु की प्रति इकाई जो है आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो है विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है, तो यहाँ पर जो है असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है गलत है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्रति चक्रवात शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग जो है एफ गेल्टन ने किया था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1861 में, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शीत प्रति चक्रवात उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाती है, जबकि दूसरा कथन है कि गर्म प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधी उच्च दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जहां हवाएं हेडली के सेल में ऊपर चढ़ती हैं, तो सही कथन को चुनना है, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि गर्म प्रति चक्रवात जो होता है वो उपोष्ण कटिबंधी उच्च दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, और जहाँ हवाएं हेडली के सेल में नीचे आती हैं, और इन्हें हल्की हवाओं निम्न आर्द्रता एवं बादल रहित आसमान से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यदि ठंडे स्थल के संपर्क में आने से जल में बदल जाए तो उससे बनी बूंदों को ओस कहा जाता है। दूसरा कथन है कि धरातल के निकट की वायु यदि ठंडी हो जाए तब उस वायु में जलकणों के कारण वायुमंडल की जो है पारदर्शिता प्रभावित हो जाती है, जिसे कोहरा कहा जाता है। तीसरा कथन है जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु होती है विकरण कोहरा का निर्माण करती है। यहाँ पे कितने कथन सही हैं, तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर जो है पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर लें तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे राइम कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वर्षा की जो है अत्यधिक छोटी बूंदों का व्यास जो है वो जो है 0.2 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लाइसीमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है, तो इससे जो है वास्तविक जो है वाष्पीकरण मापा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बोलोमीटर से जो है ऊष्मा विकिरण को मापा जाता है, और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, एक तरफ समतुल्य रेखा दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विशेषता दे रखी है,
तो क्वेश्चन में पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है। तो आइसोरेम दे रखा है, आइसोरेम की विशेषता यह है कि समान तुषार को दिखाने वाली रेखा को जो है आइसोरेम कहा जाता है। जबकि आगे दे रखा है आइसोकेरन दे रखा है, सामने दे रखा है समवायु भार दे रखा है, जो गलत है क्योंकि ये समान बादलों की गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा है, इसलिए ये गलत है। और आइसोनोमली दे रखा है, ये जो है समवायु भार होती है, इसलिए ये भी गलत है। समवायु भार, हाँ। और चौथा है जो है आइस एलोबार दे रखा है, और ये संभार प्रवृत्ति को समान वायु दाब अंतर को दर्शाती है, इसलिए ये भी सही है। पहला दूसरा सही था लेकिन गलत के लिए पूछा गया था, तीसरा और चौथा दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, गर्त एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ महासागर या सागर दे रखा है, तो जो है यहाँ पे देखा जाए इल्यूशियन गर्त दे रखा है, इल्यूशियन गर्त, तो इल्यूशियन गर्त दे रखा है, तो इल्यूशियन जो गर्त है ये उत्तर जो है उत्तर प्रशांत महासागर से संबंधित है, और जो है कर्माडेक टोंगा गर्त जो है दक्षिण प्रशांत महासागर से संबंधित है, और न्यू हिब्राइड्स गर्त जो है दक्षिण प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो गलत नहीं है, सभी युग्म सही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार ग्राम होती है। दूसरा कथन है समानता लवणता की सागर जो है अंतर्गत जो है चीन सागर, पीला सागर तथा जावा सागर शामिल है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हेलैंड हैनसेन ने दक्षिण क्षैतिज लवणता को दर्शाने के लिए 1916 में TS डायग्राम तैयार किया था। दूसरा कथन है सागर के ऊपरी भाग में लगभग 1 किलोमीटर गहराई तक लवणता में वृद्धि होता जाता है। तीसरा कथन है मध्य अक्षांशों में गहराई की ओर जाते समय लवणता में वृद्धि होती जाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए सही के लिए पहला दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है, विषम को चुनना है, तो यहाँ पे देखा जाए विषम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि जो है पहला है एंटिलिस जलधारा और लेब्राडोर जलधारा, कैनरी जलधारा, इन जलधाराओं का संबंध जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा का संबंध जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर से है, इसलिए डी ऑप्शन विषम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं? तो यहां पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सही है, क्योंकि जो इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 21 डिग्री जो है सेंटीग्रेड चाहिए, जबकि 18 डिग्री जो है सेल्सियस से कम तापमान पर प्रवाल मरने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रेट और फॉस्फेट के रासायनिक पोषक तत्वों की अधिकता होती है तो उसे जो है न्यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। दूसरा कथन है कि न्यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, तो यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है जबकि पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो यह जो है
1994 में लागू हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी पुष्टि 168 दलों के द्वारा की गई जिसमें 164 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, एक तरफ जैव मंडल है दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं, तो इनका आपस में मिलान करना है। तो नो क्रेक दे रखा है जैव मंडल, ये जो है मेघालय में है, ये सही है। और खाम चेंद जोगा दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये सिक्किम में है इसलिए गलत है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो दो युग में सही से मिले थे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, मृदा का मिलान करना है समान अवस्थिति एवं जलवायु से, तो इसे पटी सोल जो दे रखा है मृदा, इसका मिलान होगा जो है शीत कटिबंध के आर्द्र क्षेत्रों की मृदा है, तो ये जो है सही सुमिलित है। वर्टिसोल का मिलान सही है, जो है हिस्टोसोल का मिलान भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पैटीगोनिया गोबी शीत मरुस्थल के उदाहरण है। दूसरा कथन है भूमध्य सागरी बायोम को रोम सागरी बायोम भी कहा जाता है, तो असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है पैटीगोनिया जो है ये शीत मरुस्थल का जो है उदाहरण है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, गलत नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम को दर्शाते हैं। पहला है दक्षिण गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता। दूसरा है वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकु होता है। तीसरा है यह यूरेशिया तथा कनाडा में फैला हुआ है, तो इसको जो है टैगा बायोम कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उसकी ये विशेषताएँ हैं। और यहाँ पर जो है पशुओं में देखा जाए तो जो है सफ़ेद भालू और सफ़ेद लोमड़ी पाए जाते हैं, और इस बायोम में वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकुकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आर एफ जो है डेसमैन ने इसका प्रयोग किया था जो है सबसे पहले 1968 में, तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, महाद्वीपीय सेल्फ की सीमाएं परिभाषित की जा सकती हैं। तो ये जो है प्रादेशिक समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैले क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है। पहला है यह नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। दूसरा है यह अवशेष को समाहित कर लेता है। तीसरा है यह सौंदर्य विषयक सेवाएँ प्रदान करता है। तो सही देखना है कथन, तो तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण की जो है धारणा क्षमता का क्या अर्थ है, धारण क्षमता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसके तहत देखा जाए संसाधनों का निष्कर्षण इसके जो है पुनर्जनन से अधिक नहीं, साथ ही उत्पन्न अवशेष का पर्यावरण की समावेशन की क्षमता के अंदर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ओजोन अक्षय का अर्थ है क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। दूसरा कथन है ओजोन जो है क्लोरो फ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है। दूसरा कथन है ओजोन की समस्या को सुलझाने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, पहला तीसरा यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ओजोन अपक्षय का अर्थ होता है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी, ना कि क्षोभ मंडल में, इसलिए पहला गलत है। और जो है अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है, इसके कारण जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितना उपलब्ध है। तो यह है 0.06 हेक्टेयर, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि कितना होना चाहिए 0.047 जो है हेक्टेयर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। दूसरा कथन है सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये जो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा जो है क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, लद्दाख के संबंध में असत कथन का चयन करना है। तो इसमें असत कथन है चारों को देखने के बाद कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। ये जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि लद्दाख से जो है क्योंकि उत्तर में जो है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में जो है क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, और दक्षिण में जो है जास्कर पर्वत स्थित है, ना कि लद्दाख श्रेणी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, मनाली लेह राजमार्ग निम्न में से किन दर्रों से होकर गुजरता है? पहला है रोहतांग ला, दूसरा है बारालाचाला, तीसरा है लुनगा लाचाला, तीसरा है टंगलंग ला। तो यहाँ पे देखा जाए चारों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह राजमार्ग जो है केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलते हैं, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म कौन सा है? तो गलत है वेदिका फार्म, जिसके सामने लिखा है चौड़े समतल सोपान मैदान क्षेत्र में बनाए जाते हैं ताकि मृदा संरक्षण हो सके। ये यहाँ पे युग्म गलत है, क्योंकि जो है चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और इनसे पृष्ठी प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में क्या जो है अक्षत वनस्पति का हिस्सा है? पहला है जो है पर्वतीय वन, दूसरा है मैंग्रोव वन, तीसरा है कृषिगत फसलें, चौथा है फल और बागान। यहाँ पे जो है पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ये वन असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है। तीसरा कथन है ये क्षेत्र वर्ष भर जो है गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। चौथा कथन है इस वन के जो है वृक्षों में एक निश्चित जो है परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होता है। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, और यहाँ पर वन जो है साल भर हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधी वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। दूसरा कथन है जो है हिमरेखा के पास जो है वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। तो सही कथन चुनना है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है मेडागास्कर, दूसरा है बैफिन, तीसरा है जो है बोर्नियो, चौथा है न्यू गिनी। यहाँ पे जो है पहला जो है बैफिन आएगा, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है बोर्नियो और चौथा है न्यू गिनी, क्योंकि जो है
ग्रीनलैंड का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, इसके बाद जो है न्यू गिनी का है 7,85,753, फिर बोर्नियो का है 7,00,000 जो है 48,168, फिर मेडागास्कर का है 5,87,713, फिर बैफिन का है 5,07,451। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, मिलान करना है जल संधि का, ये कि ये किन चैनलों को आपस में जोड़ती है। तो जो है पहला है ओरंटो जल संधि, तो ओरंटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर एवं जो है आयोनियन सागर को जोड़ती है, यानी पहले का मिलान होगा चौथे से। और अगला है टॉरस जल संधि, ये जो है अराफुरा सागर एवं पापुआ न्यू खाड़ी को जोड़ती है, ये इसका मिलान होगा तीसरे से। अगला है जो है बॉस्फोरस जल संधि, ये जो है काला सागर एवं जो है मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है, दूसरे से मिलान हो जाएगा। और डोवा जल संधि है, ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे जो है सही मिलान होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मिलान करना है देशों से। तो यहाँ पे देखा जाए सत्रहवीं जो है समानांतर रेखा का मिलान होगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा से। तो ये जो है यहाँ पे गलत सुमेलित है, तो यही जो है सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। घास के मैदानों का मिलान करना है उनकी औसत से। तो जो है उनकी अवस्थिति क्या है ये आपको मिलान करना है। तो पुस्ताज का मिलान किससे होगा, हंगरी से, ये सही है। तो गलत युग में चुनना है, केंटरबरी का मिलान होगा जो है न्यूजीलैंड से। लेकिन सामने लिखा है उरुग्वे, तो ये जो है गलत है, तो सही जवाब यही हो जाएगा। बाकी डाउन्स दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, कंपोस ब्राज़ील, और प्रेरी दे रखा है उत्तरी अमेरिका, और पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, और स्टेपीज जो है मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, और वेल्ड दे रखा है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, काराकुम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरी धाराएं हैं। पहला है कैलिफोर्निया धारा, दूसरा है सोमाली धारा, तीसरा अलास्का की धारा, चौथा है केनारी धारा। तो सत्य को चुनना है, पहला दूसरा चौथा सही है, जबकि अलास्का की धारा जो है गर्म महासागरी जलधारा है, ना कि ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, फौन नाम स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है। तो ये जो है आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो है गर्म और शुष्क हवा प्रकार की पवन है, गर्म और शुष्क हवा प्रकार की जो है फोन है, तो जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु वर्ष 1994 में विश्व जो है कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये आयोजन जो है योकोहामा में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये 23 से 27 मई 1994 तक याकोहामा नगर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किन प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला है लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण तथा आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, दूसरा है भूमध्य रेखा से न्यूनतम दूरी, तीसरा है क्षोभ मंडल में जो है अस्थिरता तथा निम्न वायु दाब क्षेत्र, चौथा है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की उपस्थिति। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है देखा जाए चौथा इसलिए गलत है क्योंकि मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति
जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे, तो ये भी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के प्रमुख जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, क्षिप्रिका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी नदी का वह भाग जहां जल बहुत तीव्र गति से बहता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है IUCN पौधों तथा जीवों दोनों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, जबकि जो है दूसरा कथन है कि IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे देखना है कि और पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल जो है रिसोर्सेज जो है इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। दूसरा कथन है कि महाविविधता केंद्र में कुल जो है 12 देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है। तीसरा कथन है IUCN द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र वहाँ उपस्थित जीवों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। चौथा कथन है कि जीव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र वन जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए। यहाँ पे सही कथन कितने हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, उत्प्रवासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि समिष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो जो है ना उन्हें जो है उत्प्रवासन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का विघटन होता है जिससे जो है अकार्बनिक पोषक तत्व तो निकलते हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, खनिजीकरण के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किन पर, जो है पारिस्थितिक तंत्रों में जैव मात्रा की जो है प्रमेड आधार से ऊपर की ओर होते हैं? पहला घास के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है दलदली पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, धया, पेंदा, बेवर, नेवड़ और पोडू किसके प्रकार हैं? तो 98 का देखा जाए तो 98 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो 98 का सही जवाब होगा झूम खेती के प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गुज्जर चरवाहे समुदाय से संबंधित है, गुज्जर जो है चरवाहे समुदाय से संबंधित है। दूसरा कथन है बुग्याल जानवरों के झुंड को कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि बुग्याल जो है घास के मैदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1864 में जो है ब्रिटिश ने जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना की, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, रेडियो धर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.54 अरब वर्ष है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित महासागरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में जो है क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो पांचवा जो है आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर का जो है देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है आरोही क्रम में करना है, तो सबसे कम कितना है 1,40,56,000 है। और अंटार्कटिक महासागर है दूसरा मतलब चौथे पायदान पे, जिसका जो है क्षेत्रफल है 2,03,27,000। और जो है फिर है हिंद महासागर का, फिर है जो है 7,05,60,000। और फिर है अटलांटिक महासागर का 10,64,60,000। फिर है प्रशांत महासागर का 15,55,57,000। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 103, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा कथन है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है एशिया सबसे बड़ा द्वीप हो गया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जिसे जो है ओशिनिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है केवल एक ही कथन सही है, पहला वाला, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है अगुलहास है। दूसरा कथन है तंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तीसरा कथन है एटलस पर्वत यूरोप में अवस्थित है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु अगुलहास है, ठीक है, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि विक्टोरिया झील अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है और तंगानिका झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और विक्टोरिया सबसे बड़ी है और तंगानिका जो है दूसरी सबसे बड़ी झील है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि एटलस जो है पर्वत जो है अफ्रीका में है, ना कि यूरोप में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, शहर और देश की सूची जिसमें पुराना नाम दे रखा है, सूची सेकंड में जो नया नाम है उसको आपस में मिलाइए। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट का जो है मिलान क्या होगा 105 नंबर में, तो गोल्ड कोस्ट का मिलान होगा जो है लंबासासी से, जो ऑप्शन में लंबासासी से होगा। गोल्ड कोस्ट का मिलान होगा घाना से, चौथे से मिलान हो जाएगा, और उत्तरी रोडेशिया का मिलान होगा, उत्तरी रोडेशिया का मिलान होगा जाम्बिया से, तो दूसरे से मिलान होगा, और न्यासालैंड का मिलान होगा मलावी से, और जेरे का मिलान होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अंटार्कटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा है वहाँ कोई तटीय मैदान नहीं है। तीसरा कथन है कि अंटार्कटिका के 98% भूभाग पर बर्फ और हिम का आवरण है। तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो अंटार्कटिक सर्कल के पूरी तरह दक्षिण में स्थित है, और बर्फ की अधिक मोटाई के कारण यह जो है पृथ्वी पर पांचवा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा महाद्वीप है, और कुछ जगह पर बर्फ की गहराई 4800 मीटर तक पहुंच जाती है, और यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है, और कोई तटीय मैदान नहीं है, और हालाँकि इसमें जो है कई सारे ज्वालामुखी पाए गए हैं जो सक्रिय भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है? तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है, नामीब रेगिस्तान है, और कालाहारी रेगिस्तान है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि जो है अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर चिली के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका से जो है
एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, तो इसका नाम है बेरिंग जल संधि। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि जो है जिब्राल्टर जल संधि है, यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। अगला है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और ताइवान जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए यूराल पर्वत और जो है काकेशस पर्वत, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो है बोर्नियो। ये जो है 743,330 वर्ग किलोमीटर है और ये मलेशिया, इंडोनेशिया और जो है ब्रुनेई द्वारा साझा किया गया जो है क्षेत्र है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और भी आप देख सकते हैं, उनके भी एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से कौन से देश जो है मध्य एशिया का हिस्सा है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि अफगानिस्तान को मध्य एशिया का हिस्सा नहीं माना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। एशिया की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कूट के हिसाब से देखा जाए तो भाई कौन सा जो है यांगत्जी नदी जो दे रखा है, यांगत्जी नदी जो है ये 6,301 किलोमीटर, ये सबसे लंबी नदी है। फिर जो है दूसरे नंबर पे है पीली नदी, पीली नदी 5,464 किलोमीटर है। फिर है जो है सिंधु नदी जो है 2,900 किलोमीटर। फिर है गंगा नदी 2,510 किलोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? पहला है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है कैनरी धारा, तीसरा है लेब्राडोर धारा और चौथा है बेंगुएला धारा। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है सभी चारों धाराएं जो है अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है? बाल्टिक सागर में। चौथे से मिलान हो जाएगा तो चौथे का ऑप्शन एक ही में है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मन्नार की खाड़ी है हिंद महासागर में, पनामा की खाड़ी जो है प्रशांत महासागर में, मेक्सिको की खाड़ी है अटलांटिक महासागर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा चुने कि कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। तो झीलों का मिलान करना है उनके स्थान से। तो बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में, ये सही है। मलावी झील कहाँ पर है? जो है मोजाम्बिक तंजानिया में है, ये गलत है। और जो है विनीपेग जो है कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी गलत है। और टिटिकाका जो है बोलीविया पेरू में है, ये भी सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पे सही है और जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। तो गलत के लिए पूछा गया था तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। एशिया के निम्नलिखित देशों का पर विचार करें और चुनें कि दिए गए देशों में से कितने देश जो है स्थलरुद्ध देश हैं। कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और लाओस। तो जो है एशिया में 12 देश जो है स्थलरुद्ध हैं, जिनमें उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया,
तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अजरबैजान है। तो इस प्रकार यहाँ पे चार ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सभी चारों इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करें, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो यहाँ पे जो है रूस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है ब्राज़ील का है, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर जो है भारत, फिर अर्जेंटीना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान नहीं है, कैंपोस, लानोस, पुस्टाज, पंपास। तो यहाँ पे तीसरे नंबर का जो घास है पुस्टाज, ये जो है हंगरी में एक विशाल घास का मैदान है, बाकी जो है तीनों जो है दक्षिण अमेरिका के जो है घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है कि चिनूक रॉकी पर्वत की पूर्वी जो है ढलानों पर चलने वाली स्थानीय ठंडी हवा है, जबकि दूसरा कथन है जो है नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच स्थित है। यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि जो है चिनूक जो बर्फ खाने वाला है, चिनूक जिसे कहा जाता है, ये स्थानीय गर्म और रॉकीज के पूर्वी ढलानों पर उतरता है, और जो है नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को जो है फेजेंडा कहा जाता है, दूसरा कथन है मिश्रित यूरोपीय और जो है रेड इंडियन के वंशजों को जो है मेस्टिजो कहा जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को खोजना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है यह नीदरलैंड के जो है रोटरडैम में आयोजित किया गया, दूसरा कथन है भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया, तीसरा कथन है भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो यहाँ पे देखा जाए सही कथन को चुनना है, तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसके तहत भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए कट ऑफ तिथि क्या निर्धारित किया गया है, तो इनके लिए 31 दिसंबर 2014 निर्धारित किया गया है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया है, दूसरा कथन है वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा सही है, पहला यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इसको जो है वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, फॉर्म 17C का संबंध किससे है, इसका संबंध जो है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, तो रुपए को मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये कथन असत्य है, क्योंकि रुपए भारत में पहला वैश्विक भुगतान कार्ड है
और इसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो ये जो है देश है स्पेन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के जो है विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट जो है ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार है इंडियन सिंगल जो है स्काई हार्मोनाइज्ड एयर जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। नॉर्वेस्टर्स अनुसंधान परीक्षण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत का अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र पुणे में स्थापित कर रहा है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य देश के पश्चिमी भागों में आने वाले जो है नॉर्वेस्टर तूफानों का पूर्वानुमान करना है। तो सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे जो है गलत है। इसका जो है भारत ने जो है इसको जो है उड़ीसा के भद्रक जिले के जो है चांदबाली में इसका जो है इसको स्थापित किया है और यह भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर पूर्व में है और इसका उद्देश्य जो है तूफानों का जो है अध्ययन करना है, आए हुए तूफानों का गरज के साथ आए हुए तूफानों का अध्ययन करना है, ना कि पूर्वानुमान लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो फ्रीज नाम है इसका, जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देश का पहला AI आधारित जो है सरकारी TV चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। दूसरा कथन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि उस चैनल का नाम DD किसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम अशोक कुमार है, अशोक कुमार सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 2024 का नटराज कला सम्मान प्राप्त करने वाले रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये पूर्वी चंपारण से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। इले लोक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो है फ्री फायर नामक जो है मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह समुद्री सड़क तथा रेलवे परिवहन नेटवर्क को एकीकृत करता है। दूसरा कथन है IMEC के दो गलियारे हैं, पूर्वी गलियारा और पश्चिमी गलियारा। तीसरा कथन है कि जो है चाबहार बंदरगाह इस गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे भारत ने 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है RBI अपना लाभांश आवंटन जो है अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देती है। दूसरा कथन है कि हस्तांतरणी अधिशेष निधि का निर्धारण डॉक्टर विमल जलान की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2019 में किया था। तीसरा कथन है समिति की सिफारिश के अनुसार जो है आकस्मिक जोखिम बफर जो CRB कहा जाता है, जिसे RBI की कुल संपत्तियों का 5.5% से 6.5% के बीच होना चाहिए। तो असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है यहाँ पे कोई सभी जो है असत्य नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है इस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में क्या किया है, ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, यह दुनिया की सबसे लंबी दो लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। तो असत कथन को चुनना है, दूसरा गलत है, पहला सही है। इसका निर्माण जो है सेला सुरंग में किया गया है, ठीक है, ना कि पीर पंजाल श्रेणी में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। सागा दावा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान की चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो इस टर्मिनल का नाम है शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो इसमें भारत की स्थिति जो है मताधिकार के साथ जो है परामर्शदात्री पार्टी की है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। दूसरा कथन है इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। तो सही कथन को चुनना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके लिए झारखंड को चुना गया है कोयला मंत्रालय द्वारा, ना कि छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए, ये जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी बेसिन में 4,000 से अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। मिलान करना है प्रमुख दिवसों का, तिथियों से मिलान करना है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को, और विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है 16 मई को, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को। यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू हो गया है? तो ये बांका में चालू हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है बांका में ये चालू हुआ है, इस सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दर जो है 3.11 रुपये प्रति यूनिट है, और 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की सफल जो है कमीशनिंग के बाद राज्य सरकार को सालाना 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। मिलान करना है इनका, 147 में व्यक्ति का मिलान करना है उनकी उपलब्धि से। तो यहाँ पे देखा जाए तो 147 में देखा जाए जो है टोलैम जो है इनकी उपलब्धि है, ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, तीसरे से मिलान हो जाएगा। और जो है जॉन स्लेवेन जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, पहले से हो जाएगा। और लुइस जो है अभिनादर जो है ये जो है डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं, और इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का जो है प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो ये जापान द्वारा पेश किया गया है, ये 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है, और 1000 गीगा बिट्स प्रति सेकंड की गति से 300 फीट से अधिक दूरी तक डेटा संचालित कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा कथन है कि उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है, और यह इसके तहत जो है बुनियादी साक्षरता
संख्यात्मकता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है इसका प्रमुख उद्देश्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है जिनेवा में किया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही रोटेरिया द्वारा संचालित 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए 10वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।